लोग को पूरा दिल्ली वाला लोकल स्ट्रीट फूड इंजॉय करवाने वाली हूँ। चैनल तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि ना अभी इवनिंग टाइम हो गई है, तो मेरा ये व्लॉग बेसिकली है कि मैं ना दिल्ली की आपको इवनिंग और नाइट लाइफ दिखाऊं। और अभी आज कुछ न्यू इसलिए लग रहा था मुझे व्लॉग शूट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि दिल्ली वाले फेमस होते हैं एक चीज़ के लिए, वो होते हैं फूडी। तो और दिल्ली में एक और चीज़ फेमस होती है, वो होते हैं मोमोज। और आप लोगों ने जो मोमोज सुने होंगे आज तक, वो होते हैं हमेशा मैदे के मोमोज होते हैं, जो कि सबको पता है कि मोमोज एक ही चीज़ के होते हैं। और हम तो लाइक पहाड़ी लोग तो और ज़्यादा मोमोज घर पे बनाते हैं। आपने देखा भी था मेरे पिछले व्लॉग्स, मैंने यूएस में मोमोज बनाए थे, घर पे ट्राई किए थे। तो आज मैं जा रही हूँ आटे के मोमोज खाने के लिए, जो कि मेरे लिए भी यूनिक थिंग है क्योंकि मैंने बस सुना था। और जहाँ मैं भैया से खाती हूँ उन पे मैंने पर ट्राई नहीं किया है। अभी इस टाइम जब मैं दिल्ली विजिट कर रही हूँ तो फर्स्ट टाइम उन लोगों ने एक स्पेशल मोमोज रखे हैं, आटा मोमोज। तो वो अभी हम आज ट्राई करेंगे और उसका मैं भी आपको, बस यहाँ से निकल गई हूँ और खाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, पर मैंने कहा पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी हम निकले अपनी कार में ताकि मैं अच्छे से आप लोग को पूरा पूरा व्यू दिखा पाऊँ इवनिंग में नाइट लाइफ में कितना क्राउड ही होता है। कंपैरेटिवली यूएसए, जो यूएसए रहते हैं वो ये फीलिंग समझ रहे होंगे कि मुझे कितनी खुशी हो रही है नाइट में ऐसे घूम के। और अभी मैं पहले हम लोग चलते हैं अभी मोमोज खाने के लिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ तो वो मैं आपको मोमोज खाने के बाद बताऊंगी। पहले हम मोमोज को चेकआउट करेंगे कि आटे वाले मोमोज होते कैसे हैं बेसिकली। सो लेट्स गो। गाइस मैं आ गई हूँ, ये देखो आपको दिखाने के लिए व्यू। बस भी यहीं से जा रही है, रिक्शा भी यहीं पे कट ले रहे हैं। ये होता है दिल्ली का ट्रैफिक जो बेसिकली पूरा पूरा, और ये है मार्केट एरिया, तो ये पूरा मार्केट व्यू है यहाँ से। और इसके बगल में अभी आपको दिखाते हुए मोमोज खाने कहाँ पे आई हुई हूँ, ये देख सकते हो आप इवनिंग में कैसा व्यू होता है। जो कि हम यूएस वाले देखने के लिए तरस जाते हैं यार, वहाँ पर कैसा होता है नाइट लाइफ और यहाँ पे कैसी होती है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मिस करती हूँ। एंड ये सब देख सकते हो। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ अपने मोमोज के ठेली वाले एरिया में। तो ये छोटी सी ठेली बट बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाते हैं ये भैया। और आप लोग नियर बाय रहते हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, यू हैव टू मस्ट ट्राई कि कैसे होते हैं आटे वाले मोमोज। अभी मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेशल आटा मोमोज जो लिखे हुए हैं भैया ने, ये लिखे हुए तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और ये आप क्राउड देख सकते हो कितना क्राउड ही हो रहा है। वैसे भी सेंट्रल मार्केट पे है तो बहुत ज़्यादा क्राउड ही हो रहा है। अभी मैं जाके ऑर्डर लेती हूँ और बहुत देर से बातें हो गई, मोमोज के मुँह में पानी आ रहा है देख देख के। तो पहले ऑर्डर करते हैं और शक्ल देखते हैं आटे वाले मोमोज की, उसको ट्राई करेंगे और मैं आप लोगों के साथ इन्जॉय करूँ ब्लॉग को। तो भैया आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हम मतलब कितने ज़्यादा बिजी है भैया, और हमें ऑर्डर देने में इतना टाइम लग रहा है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पीपल्स हैं वो सारे आटा मोमोज को ही ऑर्डर करने का वेट कर रहे हैं। तो ही सो फेमस हेयर, और लोग बहुत दूर दूर से खाने आते हैं यहाँ पे, पैकिंग कर ले जाते हैं
और कुछ लोग यहाँ खड़े होके खाते हैं। मैंने पिछली बार ट्राई किया था, मैंने कार में बैठ के खाया था। अभी मैं आप लोग को पूरा दिल्ली वाला लोकल स्ट्रीट फूड इंजॉय करवाने वाली हूँ। दैट्स व्हाई हम भी स्ट्रीट पे ही खड़े होके खाएंगे कि कैसा होता है भाई। ये भी एक रोड साइड में खाने का मज़ा ही एक अलग होता है। तो अभी ऑर्डर देते हैं और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि क्या है आटे वाले मोमोज का स्वाद। ओके गाइस, हियर वी गो, आ गए हैं हमारे आटे वाले मोमोज। तो इसका लुक तो बहुत ही डेंजरस लग रहा है। और हमने स्टीम मोमोज नहीं मंगाए हैं, मैंने मंगाए हैं आटे वाले कुरकुरे मोमोज, बिकॉज आई लव कुरकुरे मोमोज और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि कुरकुरे मोमोज मुझे नहीं मिलते हैं यूएसए में। सो ये आप देख सकते हो मस्त लग रहे हैं, खाने का वेट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। Hey guys, तो ये स्पाइसी स्पाइसी और गरम गरम मोमोज खा के आप मेरी हालत देख सकते हो कैसी हालत हो रही है। स्वेटिंग होने लग गई है, अभी दिल्ली की गर्मी स्टार्ट तो हो गई है। ऑलरेडी मैं इतने सारे निपटा चुकी हूँ और अभी थोड़े से रहते हैं। एक और खासियत है इन भैया की चटनी होती है बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा वाली मस्त और बहुत ज़्यादा गरम गरम हो रहे हैं इसलिए। पर यार जब गरम नहीं खाए स्पाइसी नहीं खाए तो दिल्ली के मोमोज की बात ही क्या हुई। ओके गाइस, सो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट कहाँ जा रही हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आई थिंक पीछे ट्रैफिक का साउंड आ रहा होगा, सो सॉरी फॉर दैट। तो अभी मैंने मोमोज फाइनली फिनिश कर लिए क्योंकि वो खाना एक टास्क लग रहा था, इतने ज़्यादा मतलब हैवी थे ना वो, क्योंकि वो कुरकुरे मोमोज थे, नॉर्मल स्टीम मोमोज नहीं थे, वो थोड़े से लाइट लगते हैं। बट आटा मोमोज जो थे तो उसकी वजह से आई थिंक मैं फिनिश कर पाई, तो वो एक टास्क जैसा हो गया। अब फाइनली वो मोमोज फिनिश हो गए और मैं आपको बता दूँ कि मोमोज का प्राइस है ओनली रुपीज़ 100 और 100 रुपीज़ में आपको 8 पीसेज मोमोज मिल रहे हैं। बट 8 पीसेज बहुत ज़्यादा हैवी हैं और दो चार फ्रेंड्स आप लोग आते हो तो आप आराम से वो प्लेट फिनिश कर पाओगे। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ जो कि दिल्ली फेयर है, जिसको हम मेला कहते थे, वो मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। तो मैंने उसको बहुत टाइम से एक्सप्लोर नहीं करा है, तो अभी फाइनली मैं जा रही हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोग को भी दिखा पाऊँ और मैं भी उसको इन्जॉय करूँ, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टर्म, आई थिंक मैं कितने सालों पहले गई होंगी, बट आज मैं जाऊँगी और वहाँ जाके इन्जॉय करेंगे, देखेंगे उस मेले में क्या क्या है। और वो मेला पूरे मंथ लगने वाला है। अभी फाइनली अगर हुआ तो मैं दूसरा ब्लॉग भी लेके आ जाऊँगी उसका, क्योंकि उस वाले उसमें अभी हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था बीच में, हम कन्फर्म करने गए थे टिकट्स एंड ऑल। तो बाकी मैं वहाँ पे जाकर बताऊँगी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बट क्योंकि अभी बहुत ब्लॉग भी तो लंबा हो जाएगा ये वाला, अभी आप मेरे पीछे नाइट लाइफ इन्जॉय कर रहे हो। यहाँ से मैंने मोमोज खा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ मेला देखने के लिए और आप लोग भी मेला देखने का वेट करो। सो लेट्स गो। फेमस मेले में जो आप देख रहे हो इतने बड़े झूला देख के और सब कुछ देख के ना मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा दूँ जहाँ पे इतनी सारी लाइटिंग वाला आप व्यू देख रहे हो, जहाँ पे थोड़ा सा रश भी आ रहा होगा और लाइक रश मीन्स बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा क्योंकि बहुत फेमस सिंगर्स आए हुए हैं और यहाँ पे खाटू श्याम जी का प्रोग्राम हो रहा है जो कि बहुत टाइम आई थिंक 1 मंथ से चल रहा है। और ये वाला अभी मेला स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं। आप मेरे साथ साथ चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पार्किंग एरिया, तो पार्किंग के लिए आपको पे करना पड़ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पार्किंग के पे रुपीज़ हैं 50 रुपीज़ आपको पार्किंग, आप आराम सेफली, गार्ड्स हैं, सब कुछ है और ये पूरा मतलब सेफ साइड पार्किंग एरिया है। और जो मेरे पीछे आप ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हो तो वो ब्लू एरिया है। यहाँ पे एक फ़िश टनल, पहली बार मेले के अंदर फ़िश टनल स्टार्ट होने वाला है जो कि 5th अप्रैल से हो जाएगा। तो आई थिंक जब भी वो होगा तो मैं आप लोग के लिए, आई होप मैं आप लोगों के लिए ये वाला व्लॉग भी नेक्स्ट पार्ट में लेके आ जाऊँ। तो अभी आप सारा देख रहे हो, यहाँ से भी आप देख चुके हो। तो अंदर एंट्री करते हैं, क्या है, कितनी फ़ीस लग रही है, क्या लग रही है, टिकट फ्री है या एंट्री प्राइजेज है, मैं सब सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो नियर बाय हैं वो सारे इन्जॉय करने आ सकते हैं, जिन्हें अभी तक यहाँ पे आके इन्जॉय नहीं करा है। सो लेट्स गो।
देखा मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और ना बहुत टाइम बाद मज़े आ गए यार पुरानी पुरानी चीज़ें करके। और आपने वो जो देखा मतलब बहुत ज़्यादा वॉइस थी पीछे से, तो
आप लोगों ने आई होप मतलब उसको मतलब उसकी कोई वॉइस नहीं होती है, बट वो जो पिंक वाला जो मैंने वो शुगर कैंडी खाया था ना, वाओ यार मैंने उसको कितने टाइम बाद ऐसे बनते हुए देखा है। बहुत टाइम मैंने ऐसे ही बाय करा है। मैंने उनको बोला कि ना फ्रेश शुगर कैंडी बना के दिखाओ, मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाना था कि वो कैसे बनता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस में वॉच करते हैं इसको, तो उनको दिखाना चाहिए कैसे बनती है। और कुछ ऐसे होंगे जो इंडियंस ही हैं तो उनको यादें ताज़ा हो जाती हैं कि यार क्या है कि ना मतलब ताज़ा से लाइक हम अपनी पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं कि ना यार हम क्या क्या खाते थे। तो बहुत सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई और हमने भेलपूरी खाई फेमस, और पॉपकॉर्न्स खाए, इंजॉय करा, बहुत म्यूज़िक बज रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी थोड़ा क्राउड ठीक था, मतलब ठीक था, कम भी नहीं था, और अभी ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो जाएगा आफ्टर जब यहाँ पे फिश टनल लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो अभी मैं जस्ट आपको नाइट लाइफ दिखाने के लिए आई थी, और फाइनली मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट व्लॉग लेके आती हूँ। और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझको यूँ ही प्यार करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।